जिले का प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिला है। और ऐसा नियम भी है, जैसे कि निर्वाचन में नेताओं का होता है विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उस प्रकार से कर्मचारी संगठनों का कार्यकाल 2 वर्ष का ही रहता है सरकार में। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आपको पुनः उसी के काम लिया जाता है। कैडर की भलाई ये होता है, कोई आपका शोषण ना कर सके, कोई आपको परेशान ना कर सके, इसके लिए संगठन बनाया जाता है, उसी के लिए लोगों काम किया जाता है। संगठन के सदस्यों कैसे कल्याण हो, कैसे उनकी प्रतिष्ठा बची रहे, कैसे आगे बढ़े, यही उद्देश्य होता है संगठन। तो ज़्यादातर बातें तो मामती जी ने बता दिया लोगों को, हम लोगों का बस 2 ही उद्देश्य है संगठन का, जो अलग हुए वो भी बता दिया मामती जी ने। लिफ्ट के हिसाब से सबसे बड़ा पद होता है ऑडिटर का, ये बात समझ लीजिए। अध्यक्ष महामंत्री तो केवल दौड़ने के लिए होते हैं, ऑडिटर का काम है कितना पैसा आया कहाँ गया उसको निगाह रखनी है। तो सबसे बड़ा पद उन्हीं का होता है, अध्यक्ष मंत्री अपना हिसाब दे जहाँ खर्चा कर। हमारे साथ भी वही है, हम भी हिसाब देते हैं, बाकायदा है कि डायरी पैसा हम लिखते हैं कहाँ खर्चा किए, कहाँ आए गए नहीं। तो सतीश मौर्य जी को ऑडिटर बनाया जा सकता है या लोगों की सहमति है सभी के, तो हाथ ताली बजा करके अगर किसी पे ऑब्जेक्शन हो तो तुरंत बताइए। और उसको उपाध्यक्ष की श्रीमती अर्चना गुप्ता जी को परिचय दीजिए, क्या था आज यहाँ पे? मैं जेके सचान प्रांतीय अध्यक्ष, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, राजपत्र अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हमारे जनपद राय बरेली जनपद शाखा का आज अधिवेशन एवं द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव होना था जिले का, जो कि कार्यकाल इनका पूरा हो चुका था, उसी के संबंध में आज हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था, जो कि अपनी देख रेख में यहाँ कार्यकारिणी का निर्वाचन कराना था, जो कि आज बड़े ही सद्भावनापूर्वक सारे सदस्यों की उपस्थिति में जिले के संपन्न हुआ, जिसमें कि रवि कुमार सिंह को जिला अध्यक्ष एवं सतीश कुमार श्रीवास्तव को जिला मंत्री एवं अन्य पदाधिकारी जो चुने गए हैं उनका भी नाम बता देता हूँ। सुरेश बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज वर्मा को उपाध्यक्ष, अजीत कुमार संगठन मंत्री, विजय कुमार संयुक्त मंत्री, अर्चना गुप्ता को कोषाध्यक्ष एवं सतीश मौर्य को ऑडिटर पद पर निर्वाचित किया गया है एवं अमर कुमार गुप्ता को संगठन का संरक्षक बनाया गया है। हम सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और आगे के भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जय संघ, जय हमेशा समाज।